फिर से एक बार आप सबका स्वागत है टेक्निकल खालिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस पार्टी एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। इस एप्लीकेशन में आप अपने फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ ग्रुप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में उनके साथ ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। उसके लिए मैं दो फ़ोन यूज करके आप सबको बतलाऊंगा इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं दोनों फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके लिए प्ले स्टोर ओपन करना है आपको और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा हाउस पार्टी। इसका लोगो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो हम दोनों फ़ोन में इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। आप इस एप्लीकेशन में नए हैं तो सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना होगा और इसमें आपने पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको यहाँ पर आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में क्लिक कर देना है। तो अभी हम इसमें साइन अप कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड योर फ्रेंड। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप इसे फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर से कंट्री सिलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड एसएमएस में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड योर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपके फेसबुक के जितने भी फ्रेंड इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उनको आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं और उन्हें आप इस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद स्किप में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड योर फ्रेंड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हाउस पार्टी ओनली वर्क विथ फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने किसी भी फ्रेंड को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी फ्रेंड हैं आप चाहे तो उन्हें इनवाइट कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा या फिर यहाँ पर ऑनलाइन फ्रेंड अपीयर हेयर। तो जो भी फ्रेंड आपका इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन होगा उसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं, उसे इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम से आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी फ्रेंड होगा उन्हें आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं। आपका जो भी फेसबुक फ्रेंड होगा उसे आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सर्च करना है यहाँ पर और जो भी फ्रेंड होगा आपका आप उन्हें यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक आईडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। और दूसरा वाला फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुका है तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा फ़ोन में दिखाई दे रहा होगा खालिक और ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वो ज्वाइन हो चुका है आप देख सकते हैं। तो इसे हम बैक कर देंगे। कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा कॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गेम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपको अलग अलग गेम मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई सा भी गेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्विक ड्रॉ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आप साथ में गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको गेम स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से आप उनके साथ गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको गेम खेलना है और आपको गेम से बाहर जाना है तो यहाँ पर आपको क्विट में क्लिक कर देना है। इस तरह से आप बाहर जा सकते हैं। एंड गेम में आपको क्लिक करना है।
इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों फोन में ये गेम बंद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर से आपका स्क्रीन यहाँ पर बंद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे फ्रंट या बैक कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप अपने रूम को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर से लॉक कर सकते हैं। आप अपने रूम को लॉक कर दीजिएगा, उसके बाद कोई भी आपके रूम में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है वॉइस का ऑप्शन, आप इसे बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और आप अपना वीडियो चैट बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप उसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आप अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, और आप जिस फ्रेंड को ऐड कर चुके होंगे उसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और आपके पास नोटिफिकेशन मैनेज का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा तो आप उसे यहाँ पर से इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो चैट कर सकते हैं, उनके साथ गेम खेल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।